गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। और गाड़ियां यहाँ से भी ऊपर जा रही है यार, ये देखिए गाइस, द्वारका सेक्टर 21-23 जनकपुरी, और ये वाला भी ओपन है शायद, तो बचा क्या है दिल्ली। और देखिए गाइस, वेलकम टू एनसीटी दिल्ली। गाइस ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया था और आपके भाई को भी द्वारका एक्सप्रेस वे दिखाते के चक्कर में ₹1000 की चपेट लग गई। गाइस फाइनली हम द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर चल रहे हैं यार। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो प्रणाम, और मेरी धर सेना को धर भाई की तरफ से बहुत बहुत प्यार और सम्मान। तो गाइस पहले तो माफी चाहता हूँ, बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, मुझे पता है बहुत ज्यादा टाइम बाद आ रहा हूँ, बट कुछ चीजों में फंसा हुआ हूँ, आस्ता आस्ता निकल रहा हूँ बाहर उन चीजों से। शॉर्ट्स डालता रहता हूँ ताकि मेरा यूट्यूब चलता रहे, बट आज वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे की कल ओपनिंग हुई है और आज मैंने सोचा कि अपनी धर सेना को दिखा देते हैं भाई कैसा है, क्या खुला है क्या नहीं खुला। तो जितना हो सकेगा कवर करेंगे, जो चीजें दिखेंगी आपको हम सीधे सीधे दिखा देंगे। तो चलते हैं सीधा द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ। 2000 years later ये वो एरिया है, देखो आप ऊपर देख सकते हो द्वारका एक्सप्रेस वे, ये दिल्ली साइड का है, आने वाले टाइम में ये स्टार्ट हो जाएगा। और इधर से ही हमारा गुरुग्राम मानेसर सोना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस सब यहीं से निकलेगा। सामने रोड्स जो है वो अभी क्लोज की हुई है, एक साइड बनी हुई है एक साइड क्लोज है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ पास से। बाकी ये दिल्ली साइड है, हम अभी गुड़गांव साइड भी जाएंगे तो आपको गुड़गांव साइड का भी हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। काफ़ी साल से इंतज़ार था इस एक्सप्रेसवे का। तो गाइस आप ये देख सकते हो, यहाँ से अगर हम ऊपर चढ़ जाएंगे वो आने की रोड है सामने, और वो वाली जाने की है, तो यहाँ से क्लोज किया हुआ है इसको, थोड़े टाइम बाद ही खुल जाएगा, बस थोड़ा सा सफ़र। और अभी हम आपको लेके चलते हैं इसके बाद मेन जगह पे। गाइस वो गैस करो पीछे क्या है, अभी आपको दिखाता हूँ, वो पीछे बताओ ये क्या है, आने वाले टाइम में बहुत ही खूबसूरत चीज बनने वाली है। तो गाइस अभी जिस हम रोड पे नीचे चल रहे हैं, ऊपर आप देख सकते हो द्वारका एक्सप्रेस वे है जो दिल्ली वाला है, जो अभी ओपन नहीं है, और सामने अगर आप देखोगे बोर्ड पे तो आपको एक बार क्लोज अप लुक में आपको दिखा देता हूँ। सामने बोर्ड पे यहां से अगर आप देखोगे ऊपर तो आपको दिख जाएगा गुरुग्राम जयपुर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस। तो गाइस नजफगढ़ वाली रोड पकड़ के हैं, क्योंकि हमारे वहां से दिल्ली से बंद था, तो नजफगढ़ वाली रोड पकड़ के अब फाइनली हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे आने वाले हैं। तो गाइस ये जो अब हम लेफ्ट ले रहे हैं यहाँ से, ये अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर नहीं बोलूंगा, हम नीचे वाली रोड पे हैं, जो ऊपर आप देख रहे हो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, अभी हम इसके ऊपर जाने वाले हैं क्योंकि ये सब ओपन है। बट अभी हम यूटर्न लेंगे यहाँ से, यूटर्न लेने के बाद जो मेन जहाँ से वो शुरू हुआ है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज पहला दिन है गाइज, एकदम लेटेस्ट वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए, बहुत टाइम से वीडियो भी नहीं आई थी मेरी, तो मैंने सोचा क्यों ना यही बना ले। तो ऊपर सारा द्वारका एक्सप्रेस वे चल रहा है, ये सारी सोसाइटीज़ बन रही है, आने वाले टाइम में तो सब इसी हाईवे एक्सप्रेस वे पे आपको सब दिखने वाला है, और इतना खूबसूरत लगता है रात में ये एक्सप्रेस वे, बहुत ही बढ़िया। तो अभी हम यूटर्न ले लिया हमने, ये सामने आप देख सकते हो ये पूरी वालों की सोसाइटी है, काफ़ी पहले से चलती आ रही है, और ये बिल्कुल मतलब पहली सोसाइटी आप बोल सकते हो दिल्ली से। तो अभी बस हम ऊपर चलेंगे जब, तो आपको हम दिखाते हैं स्टार्टिंग कहाँ से द्वारका एक्सप्रेस वे की। 2000 years later गाइस फाइनली मैं द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर चल रहा हूँ, और इतना अच्छा फील आ रहा है ना कि मतलब पिछले 10-12 साल से मैं इसको बनते हुए देख रहा था। ये सामने एनिग्मा सोसाइटी है हमारी इंडिया बुल्स की, और ये सामने आपका नियो स्क्वायर मॉल, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, मैं बता नहीं सकता कैसा फील हो रहा है मुझे अभी, इतने सालों बाद ये चीज़ पूरी हो गई है। अभी भी खाली इसमें खुला है जो गुड़गांव पार्ट खुला है, दिल्ली वाला नहीं खुला है, बट फिर भी हम द्वारका एक्सप्रेस के ऊपर चल रहे हैं, और इसकी जो स्पीड लिमिट है वो 100 है, तो हम गाड़ी थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं, हम इसको 100 कर लेते हैं पूरा। इस स्पीड में गाड़ी चलने वाली है इस
द्वारका एक्सप्रेस वे पे और आप मुझे लगता है कि 15-20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाओगे यहाँ गुड़गांव से, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। गाइज इसकी स्टार्टिंग नहीं दिखा पाया आप लोगों को क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि वो कहाँ से ओपन है, क्योंकि शायद आगे अभी उनने बंद रखी हुई है, बट मैं बिल्कुल ऊपर चल रहा हूँ तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। आज पहला दिन है गाइज, पहले दिन में ही मैंने द्वारका एक्सप्रेस वे पर गाड़ी भगानी शुरू कर दी है, और ये मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी छोटे मोटे हैं, उनके लिए एक मस्त वीडियो सामने आ गई है कि आप देख सकते हो द्वारका एक्सप्रेस वे पर गाड़ी चलते हुए क्या फील है। और अब मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमने इसको बनता हुआ पूरा देखा है, 10-12 साल पूरा देखा है कंस्ट्रक्शन होते हुए इसकी, और अब इसमें हम चल रहे हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार, मेरे को तो पर्सनली बड़ा सही लग रहा है। आगे फी प्लाजा मतलब टोल प्लाजा भी आ रहा है, पता नहीं है वो चल रहा है नहीं चल रहा, बट मज़ा आ गया फील लेके, 100 पे गाड़ी भाग रही है एकदम खन, एकदम बड़ा सही है, खुल्ला खुल्ला। गाइस आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है फी प्लाजा, 500 मीटर में फी प्लाजा है, तो मतलब फी प्लाजा मतलब टोल, इसका मतलब टोल यहाँ भी होगा। मुझे नहीं पता इसमें टोल लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि आइडिया नहीं है, मैं तो बस चढ़ गया, अब टोल लगेगा नहीं लगेगा देखते हैं आगे जाके एक बार, अगर लगेगा तो कितना लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, वीडियो आपके सामने है एक बार देख लेते हैं। और देखिए गाइज वेलकम टू NCT दिल्ली, वाह ऐसा कुछ नज़ारा मिलने वाला है आपको आने वाले टाइम में। और अभी मेरे ख्याल से टोल नहीं है, अभी सब ओपन है गाइज, पर आने वाले टाइम में यहाँ पर टोल होगा। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ टोल वाला रास्ता भी, क्या फील है यार, मतलब इतने सालों से इसको मैं बनता देख रहा था और एकदम से अब इस पर चल के ही है। देखो गाइज अभी फिलहाल कोई टोल नहीं है, तो हम उन पहले बंदों में से हैं जो पहले दिन, आज मेरा कल इनॉग्रेशन हुआ था पर आज हम गाड़ी लेके आ गए हैं, तो ये हम टोल क्रॉस कर रहे हैं। देखो अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब खाली है, आने वाले टाइम में बूम बैरियर वगैरह सब कुछ लग जाएगा, और ये लगभग तैयार है यार, हम तो दिल्ली एंटर कर चुके हैं, दिल्ली एंटर कर दिया तो द्वारका एक्सप्रेस से पूरा बना हुआ था। अब आगे भी अगर हम देखें द्वारका सेक्टर 21-23 जनकपुरी ऊपर मुझे दिख रहा है, गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, और गाड़ियाँ यहाँ से भी ऊपर जा रही है यार, ये देखिए गाइज द्वारका सेक्टर 21-23 जनकपुरी, और ये वाला भी ओपन है शायद, तो बचा क्या है दिल्ली में मुझे वो नहीं पता, बट यार जो भी है, अब देखो मैंने यहाँ से भी गाड़ी ऊपर चला ली है, मुझे लगा था ये दिल्ली वाला एरिया बंद है, बट ये दिल्ली वाला एरिया भी खुला हुआ है जितना भी है, क्योंकि हम दिल्ली एंटर कर चुके हैं, आप पीछे वेलकम बोर्ड देख चुके हो, और हम फिर से ऊपर चढ़ चुके हैं इस पे। फीलिंग बहुत मज़ेदार वाली आ रही है गाइस, क्योंकि आंखों के सामने बनते हुए देखा ना इतने सालों से, और अब इस पे हम चल रहे हैं, तो स्पीड लिमिट आप देख सकते हो 180, ट्रक की 80 है गाड़ी की 100 है। अब पता नहीं यार कौन सा पार्ट दिल्ली का बचा है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी देर से हम चले जा रहे हैं और दिल्ली भी एंट्री हो गई है और ये सब ओपन है। चलो जो भी है अच्छा है, मज़ेदार है भाई, मज़ा आ गया। और ये यहाँ पे पोल सा है सामने, अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस पोल पे कैमरा ही होगा, पक्की बात है, और तो कुछ क्या लगाएंगे, बट ये देखिए कितना खुला है एरिया भी सारा, बिल्कुल मज़ेदार। गाइस वो दिख रहा सामने आपको ऊपर, मैंने पहले भी पूछा था वो क्या है बताओ मुझे, कोई उस तरफ में है वो, इतना क्लियर नहीं दिख रहा यहाँ से, बट यार हम दिल्ली में कम से कम लगभग तब से हम चले जा रहे हैं, आधा 1 किलोमीटर हो गया इसके ऊपर चलते हुए दिल्ली के अंदर आने के बाद भी, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी। अब मुझे ये देखना है कि हम निकलते कहाँ से हैं, क्योंकि आ तो हम गए हैं चढ़ के ऊपर, अब निकलते कहाँ से वो देखना है। बट फील तो है यार, तो मैंने आज पहले दिन में ही आपको ये दिखा दिया कि दिल्ली का कितना कंस्ट्रक्शन वर्क बचा है स्टार्टिंग में, और अभी हम दिल्ली एंटर भी करते हुए आपको मैंने NCT वेलकम टू NCT दिल्ली भी दिखा दिया, टोल का भी दिखा दिया, जो कि अभी टोल चलता नहीं है बट टोल का इन्हें बना दिया है, कितने रुपए होंगे क्या होगा वो बाद में पता चलेगा जब वो आ जाएगा। और काफ़ी देर से हम दिल्ली के अंदर ही चल रहे हैं, तो अब दिल्ली का कौन सा पार्ट बचा है वो मुझे उसका उतना आइडिया नहीं है, बट स्ट्रेट फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे आपको पहले दिन दूसरा दिन बोल लो, पर हाँ यार गाड़ियाँ तो अभी चलना शुरू हुई है ना। और ये देखो यहाँ पे आके एंड हो गया है बिल्कुल, यहाँ काम कंस्ट्रक्शन थोड़ा बचा हुआ है, आप ऊपर देख सकते हो, ये देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क बचा है गाइस,
अब हमको देखना है कि हमने कहाँ जाना है। और ये अंडरपास जा रही है गाड़ियां, गाइस अंडरपास सा है ये, देखिए हम यहां से नीचे की तरफ जा रहे हैं अब, और ऊपर से भी आने वाले टाइम में, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ऊपर से भी आने वाले टाइम में गाड़ियां शायद जाने वाली हैं। और अभी हम अंडरपास के अंदर आ गए हैं देखो। और अब तो गाइस ये चीजें मुझे नहीं लगता अभी तक किसने दिखाई है, मतलब दिखाई होगी बट यार मैं एज अ नॉर्मल बंदा दिखा रहा हूँ तो। और ये हम कहीं और चढ़ रहे हैं, ऊपर देख लेते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। स्वागतम प्रधानमंत्री जी भी लिखा हुआ है वहां पे, गाइस वहां पे उस तरफ में प्रधानमंत्री जी का स्वागत के लिए एक बोर्ड लगा हुआ था। अब हम कहाँ से निकले हैं मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, बट इतना मुझे पता है कि लगभग ये तो तैयार ही है बिल्कुल। गाइस ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया था और आपके भाई को भी द्वारका एक्सप्रेस वे दिखाते के चक्कर में 1000 रुपए की चपेट लग गई। भाई वो कह रहा कि नहीं ऑनलाइन चलान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट यार मैंने कहा चलो खत्म करो इसको, क्या लाइसेंस का वो करना। 1000 रुपए चपेट लग गई, 1000 रुपए ले गया पुलिस वाला मुझसे, और मैं सिर्फ द्वारका एक्सप्रेस वे दिखा रहा था। गलती है चलो ठीक है मान ली, कोई बात नहीं यार। पर अपने धर सेना को मैंने द्वारका एक्सप्रेस के बारे में बहुत कुछ दिखा दिया, बहुत बता दिया। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और भाई घंटा दबा देना। घंटा दबा दोगे तो धर भाई की वीडियो सबसे पहले कब आती है आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखना, ऐसे ही दुआ में याद रखना। गुड बाय।